Hello everyone, the next disscheduling algorithm is CLOOK. Again the question is same. So CLOOK and CSCAN is same, are same. So CSCAN में हम क्या कर रहे थे, जहाँ पर भी हमारा current head है वहाँ से लेकर हम end of the track पे जाते थे and then reverse में नहीं जाते थे, हम reverse की zero पे जाते थे और zero पे जाने के बाद फिर से forward direction में move करते थे और देखते थे जौन सी भी request रह गई है उसे fulfill करें. अब सी स्कैन और सी लुक में क्या डिफरेंस है, हम बस एंड ऑफ द ट्रैक पे नहीं जाएंगे. सो स्कैन एंड लुक आर सिमिलर एंड सी स्कैन एंड सी लुक आर सिमिलर. दोनों में डिफरेंस सिर्फ, चारों में डिफरेंस सिर्फ एक है. सी स्कैन में हम एंड ऑफ द ट्रैक पे जाते थे, सी लुक में हम एंड ऑफ द ट्रैक पे नहीं जाएंगे, एंड ऑफ द रिक्वेस्ट पे जाएंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 53. नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिक्वेस्ट कौन सी है, 65 है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिक्वेस्ट है 67, then 98, then 122, then 124, then 183, that's it. 183 के बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं है इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे. सी स्कैन में हम 199 तक जाते थे, बट हम यहाँ पर लुक, सी लुक में हम ऐसा नहीं करेंगे. देन लुक के अंदर हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जा रहे थे और जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी उसको फुलफिल कर रहे थे, लेकिन सी लुक में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फिर से जीरो पे जाएंगे. जीरो पे जाने के बाद फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, फिर रिक्वेस्ट हमारी कौन सी रह गई है, 14 एंड देन 41. दिस इज 41, देन 41. सो सी स्कैन और सी लुक में डिफरेंस क्या है, सी स्कैन में हम 199 तक जाते थे, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सी लुक में हम लास्ट रिक्वेस्ट तक जा रहे हैं. ठीक है, सो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल ट्रैक मूवमेंट. सो दिस इज द टोटल ट्रैक मूवमेंट, द आंसर इज 326. So these are the six algorithms, disscheduling algorithms, FCFS, SSTF, SSCAN, CSCAN, LOOK and CLOOK. I hope you understand all the disscheduling algorithms. Thanks for watching my video. Thank you so much everyone.